गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं सुबह के 5 बज रहे हैं और आप सोच रहे होंगे कि आज सुबह 5 बजे मैं कैसे ये ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज हम लोग सुबह सुबह बेंगलुरु से एक लॉन्ग वीकेंड होने के कारण बाहर निकल रहे हैं और हम लोग निकल रहे हैं बेंगलुरु से मैसूर और ऊटी होते हुए वायनाड पहुंचेंगे और वायनाड पार करके हम लोग कोझीकोड कैलिकट तक जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और इस पूरी ट्रिप पे मैं आपको दिखाऊंगा कि हम क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, क्या फील करते हैं, क्या थ्रिल करते हैं। बहुत कुछ चीज़ें आपको इस वीडियो में मेरे साथ नई देखने को मिलेंगी। और टिल देन फ्रेंड्स, होप आप कनेक्टेड रहेंगे हमारे साथ और हमारी इस जर्नी को हमारे साथ आप भी इंजॉय करेंगे। तो हमारी सवारी तैयार है वायनाड के लिए, टीम आ चुकी है। हेलो, मौसम देखिए, जैसे कि सुबह के 5 बज रहे हैं लेकिन ऐसा लग रहा है अभी कि अक्टूबर के महीने में, जैसे इलाहाबाद में सुबह के 5 बजते हैं, कुछ उस तरीके का मौसम है। इसी वजह से ठंडक भी है, इसीलिए सुमति ने जैकेट भी पहन ली है। और ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग निकल रहे हैं। फ्रेंड्स, हमारी सुमंग की टीम निकल चुकी है और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे सुबह के 5 बज रहे हैं, तो अभी काफ़ी सड़कें खाली हैं, ट्रैफिक नहीं है बेंगलोर में और अंधेरा भी है, दुकानें भी सारी बंद हैं और सुमंग की टीम आगे बैठी हुई है। मैं आपको पीछे से जो भी है हमारी ये एक्टिविटीज होंगी वो मैं आपको दिखाता रहूँगा। ये देखिए, ये IIM बेंगलोर है, इसको अभी हम क्रॉस कर रहे हैं और ऐसे ही जो भी रास्ते में और भी चीज़ें पड़ेंगी मैं आपको पीछे से ही दिखाता रहूँगा अपनी बैक सीट से। अब देखिए, लगेगा कि कितनी धूप है यहाँ, बारिश का नामो निशान नहीं है। नारियल के पेड़, नीला आसमान चमक रहा है, नारियल के बीच ये नारियल के पेड़। पहुंचने वाले हैं हम लोग आधे घंटे में करीब, 40 किलोमीटर से यहाँ। बेंगलोर से आगे बढ़ने पे जो भी कुछ दुकानें हैं, लोकेशन है, सब जगह कन्नड़ भाषा में ही लिखा हुआ मिल रहा है। हम लोग इस समय कावेरी नदी पार कर रहे हैं।
शायद यहीं से गन्ना आता हो जहां हम लोग यूनिवर्सिटी रोड पे गन्ने का जूस पीते हैं। यहाँ पे इस मौसम में ही गन्ना हो गया है, हमारे यहाँ तो जाड़े में होता है, लेकिन यहाँ ये गन्ने की खेती देख के लग रहा है ये कमर्शियल फार्मिंग है गन्ने की। ये जितनी फार्मिंग ये लग रही है ये कमर्शियल फार्मिंग है गन्ने की। साथ में नारियल के पेड़ों से फेंसिंग की गई है। अपने व्यूअर्स को यही सब दिखाने के लिए तो हम नेशनल हाईवे नहीं पकड़े, पर ऐसे ही स्टेट हाईवे से चल रहे हैं। हाईवे से चलते तो गन्ने के खेत इतने पास से न गुजरते। तो अब हम लोग गांव से निकल के स्टेट हाईवे से नेशनल हाईवे पे आ गए हैं। अब ये 4 लेन हाईवे है, देखिए। अब यहाँ हम मैसूर पहुंच रहे हैं, ये मैसूर का आउटर है। 3 घंटे हो चुके हैं हमें चले हुए, ठीक 5 बजे हम बेंगलुरु से निकले थे और ये 8 बज रहे हैं। ये मैसूर शहर है, और मैसूर में ऐसे ही पहाड़ियों पे चामुंडा देवी का मंदिर है, चामुंडेश्वरी देवी। एकदम खुला हुआ दिन है आज, धूप काफी तेज है। सुबह कार का वाइपर चलाना पड़ रहा था, लेकिन अब कुछ भी ऐसी जरूरत नहीं, अब एसी चलाने की जरूरत है। अब अगल बगल गन्ने के खेत तो नहीं है, नारियल तो पूरे साउथ में सभी जगह दिख जाता है, और खासकर केरल और कर्नाटक में तो जरूर से। तो ये नारियल के बाग है, ऊटी यहाँ से 150 किलोमीटर। मैसूर में रुके हुए हैं सुबह के टी ब्रेक के लिए, 5 बजे से चले हैं, और तब से हमने अभी तक कुछ भी ब्रेकफास्ट नहीं किया, चाय भी नहीं पी है। तो ये होटल रुचि गार्डन में आए हुए हैं मैसूर में, देखते हैं। ये सामने मैसूर एयरपोर्ट है हमारे,